हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। इससे पहले इसके दो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 11 या 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्वेश्चन को आंसर के साथ में पढ़ा है। अगर आपने उन दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिए। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट सॉफ्ट एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? तो ये दो अलग अलग टाइप के क्या है, कैप्सूल हैं, ठीक है ना। कैप्सूल तो आप जानते हैं कि एक क्या है, डोजेस फॉर्म है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो एक शेल होता है जिलेटिन का बना हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर दवा को रखा जाता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड होता है और एक क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, वो पूछता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, इसमें हार्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है इसमें जिलेटिन की जो हार्ड फॉर्म है, ठीक है ना, सॉफ्ट नहीं, हार्ड फॉर्म यूज होती है, और इसमें क्या है, जिलेटिन की सॉफ्ट फॉर्म यूज होती है। दूसरा क्या फर्क है, इट कंप्राइजेस टू पीसेस, इसमें और ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये दो पीसेस से मिलके बना रहता है, ठीक है ना। एक इसका क्या, एक इसकी बॉडी होती है और ऊपर से एक कैप होता है जो इसको ऊपर से बंद करता है ऐसे, ठीक है ना। तो दो क्या कहते हैं पार्ट है इसके, दो क्या कहते हैं पीस में होता है, और ये सिंगल पीस में होता है, एक ही होता है इसको, मतलब क्या कहते हैं जोड़ दिया जाता है। तीसरा जो फर्क है, इट इज यूजुअली यूज फॉर पाउडर्ड और ग्रेनुलेटेड सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है, तो पाउडर्स रखे जाते हैं या तो क्या छोटी छोटी गोलियां होती हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है लिक्विड, समझ रहे हैं, लिक्विड है। अब चाहे वो ऑयल है, कुछ भी है, लिक्विड लिक्विड वाला सब्सटेंस फ्लूइड होता है इसके अंदर, ठीक है। चौथा क्या, इट हैज सिलिंड्रिकल शेप, और ये वाला जो होता है ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है, किसमें होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और ये क्या है राउंड गोल भी हो सकता है, और क्या ओवल शेप का भी हो सकता है, और क्या है ट्यूब शेप का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग शेप में आता है, और डिफरेंट क्या है, तो आठ अलग अलग साइज इसके क्या है अवेलेबल है, यानी अलग अलग साइज में ये क्या है, आठ अलग अलग साइज में बनाए जाते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक साइज फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इट इज मोर स्टेबल, और ये वाला जो होता है हार्ड वाला, ये ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इसको लंबे समय तक आप रख सकते हैं, और ये वाला क्या होता है लेस स्टेबल होता है स्टोरेज के दौरान, ठीक है ना। आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, और क्या है इसकी जो फीलिंग है वो क्या है आसान है, फिल करना और फिर उसको बंद करना, फिल किया उसको बंद कर दिया आसान है, लेकिन इसको क्या है फिल करना भी थोड़ा मुश्किल है, और फिर ऊपर से उसको सील करना, बंद करना, क्लोज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट ए नोट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है, इस पर एक नोट लिखना है, ठीक है ना। गिव द टाइप्स, और क्या कहते हैं इसके टाइप्स बताने किसके, एंड एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के टाइप बताने हैं और उसका क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, टॉक्सॉइड क्या है उसको बताइए, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर पूरे डिटेल वीडियो सोशल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है ना, 3 या 2 में एक पूरी डिटेल वीडियो है, तो आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा आपके पास अगर टाइम है तो। और अगर आप इसको सिर्फ अब एक दिन पहले दो दिन पहले देख रहे हैं तो आप, अब मैं नहीं कह सकता आपके पास टाइम है या नहीं है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो भी किसी भी आदमी के इम्यून को बढ़ा देते हैं, बीमारी से लड़ने वाली ताकत को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर क्या एंटीबॉडीज समझिए कि बना देते हैं, वो होते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वैक्सीन है, टॉक्सॉइड है या सीरा है, ठीक है ना। सीरम आता है इसका सिंगुलर। तो वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन वो चीजें होती हैं, वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी आदमी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी क्या है प्रोड्यूस कर देता है, इंड्यूस कर देता है। अब ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब सोशल फार्मेसी में डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। सिर्फ इतना याद रखिए कि आदमी के अंदर एक तरीके से इम्यूनिटी डाल देती है जो वैक्सीन है, ठीक है ना। और वैक्सीन तो सबको लगाइए, तकरीबन कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसको क्या कहते हैं वैक्सीन ना लगाया गया हो। वैक्सीन के जरिए से समझिए आपके अंदर एक एंटीजन डाला जाता है, और वो एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो हमारी बॉडी क्या करती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। अब जब दोबारा उसी, अब ये जो हमने एंटीजन डाला है, चाहे बैक्टीरिया या वायरस या कोई टॉक्सॉइड या कोई टॉक्सिन है,
तो ये तो मतलब हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी बना लेती है, यानी कि एंटीबॉडीज बना लेती है। अब जब उसी जैसा क्या रहता है असली वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वही बैक्टीरिया या वही वायरस, वही पोलियो का वायरस या टीबी का वायरस या टीबी का बैक्टीरिया, वही पोलियो का वायरस या टीबी का बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी के पास पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, यानी लड़ने के लिए समझिए लड़ा के तैयार होते हैं और फौरन अटैक करते हैं, उसको मारते हैं। समझ लो इस तरीके से क्या होता है वैक्सीन, तो ये क्या होता है इस तरीके से इम्यूनिटी बनती है। और ये जो प्रोसेस है ना वैक्सीनेशन का, इसको क्या है इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, वैक्सीनेशन भी बोलते हैं और जो इम्यूनिटी पैदा की जा रही है किसी के अंदर उसको इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो मेनली दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, मेनली दो टाइप के वैक्सीन ज्यादा चलते हैं, एक होता है लाइव एटीनोटेड वैक्सीन और दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है ना। तो जो लाइव वाला होता है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा होते हैं, उनको कमजोर कर दिया जाता है इस तरीके से कि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचा सके, हमें बीमारी न कर सके, इन्फेक्शन न कर सके। और जो क्या रहते हैं एटीनोटेड और जो क्या रहते हैं जो इनएक्टिवेटेड होते हैं वो क्या होते हैं वो मार दिए जाते हैं, किल कर दिए जाते हैं और फिर उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इनके एग्जाम्पल जैसा कि MMR है, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन है, ये किसके लाइव एटीनोटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल्स हैं। हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, कैसे वैक्सीन को पूरा प्रोसेस तो नहीं है बल्कि मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिख लेते हैं, अगर ये पूछता है प्रोसेस तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंटीजन, यानी किस एंटीजन के अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनाना है, कोरोना के अगेंस्ट बनाना है, पोलियो के अगेंस्ट बनाना है, टीबी के अगेंस्ट बनाना है, किसके अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनाना है। सबसे पहले उसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रोबियल कल्चर। मान लीजिए हमने मान लिया पोलियो के अगेंस्ट बनाना है तो पोलियो का जो वायरस है, या मान लीजिए टीबी के अगेंस्ट बनाना है तो उसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको लेते हैं, ठीक है ना। उनके मतलब अब कहाँ से लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को क्या है टीबी है उसका स्प्यूटम ले लिया, समझ रहे हैं। या ऐसा होता है कल्चर किया जाता है, इनको रखा भी जाता है, इनके सैंपल्स रखे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो उसमें से लेके फिर हम क्या करते हैं उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, एक ऐसी मतलब उसको क्या कहते हैं फिजा देते हैं जिसके अंदर वो क्या होता है डेवलप करता है। कंटेनर है उसके अंदर हमने उसके खाने के लिए जो जरूरतें पड़ती हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वाटर की जरूरत है वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे इसके अंदर एक पीएच लेवल मेंटेन करना, मान लीजिए 6.5 पीएच लेवल मेंटेन करना वो मेंटेन कर देते हैं। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना वो मेंटेन करते हैं। उसके अंदर उसका सैंपल डाल देते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया मान लीजिए टीवी का है तो टीवी का सैंपल डाल दिया, जो टीवी का बैक्टीरिया है तो इसमें वो ग्रो करने लगता है, समझ रहे हैं ना। इसमें ग्रो करता है अभी बहुत सारा बन जाता है। अब इसी में से हमने मान लिया कि थोड़ा सा और भी इस तरीके से बहुत सारे हमने बना लिए, बहुत सारे कंटेनर में ऐसे किया तो ये बहुत सारे हमारे पास हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है कल्चर करना, यानी समझे खेती करते हैं हम लोग, उसको खेती कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं इसको फौरन नहीं निकालते हैं, ये निकाल भी सकते हैं लेकिन पहले हम इनको क्या करते हैं इनएक्टिवेटेड कर देते हैं किसी हद तक, ठीक है ना। अगर मारने की जरूरत है तो मार देते हैं, या तो फिर इनको कमजोर करना है तो वो कमजोर कर देते हैं। फिर उसके बाद वहां से इनको क्या करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, यानी यहाँ से हम निकाल हैं। फिर उसके बाद उसके हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डाली थी, सबको उनके साथ में ना आए, सिर्फ वो बैक्टीरिया या वो जो वायरस है वो हमारे साथ में आ जाए जिसका हमको वैक्सीन बनाना है। तो वहां पे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, सारी चीजों को निकाल देते हैं, सिर्फ जो हमको चाहिए जो हमारा वांटेड है उसको हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद ड्राइंग अगर जरूरत होती है तो ड्राइंग करते हैं वहां से, ठीक है ना, उनको सिखाते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल में ये कि जिस क्वालिटी के हम चाह रहे हैं उस क्वालिटी की है या नहीं है, या वो सेफ है या नहीं, हमने उसको वेक तो कर दिया, क्या वो वीक है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो समझ रहे हैं कि वो वीक हो गया, बॉडी को जाकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमने जिसको भी वैक्सीन लगाया ऐसा पता चला इन्फेक्टेड हो गए, तो हम जिस काम के लिए कर रहे थे वही काम नहीं हुआ, हम बचाना चाह रहे थे उनको इन्फेक्शन से और वो जाके क्या हो गए इन्फेक्टेड हो गए, समझ रहे। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, पूरी इसकी जांच होती है कि जिस स्टैंडर्ड का हम बनाना चाह रहे हैं वो इसी स्टैंडर्ड की है, वही क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है। उसके अलावा फिर उसमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्रिजर्वेटिव वगैरह, ताकि वो खराब ना हो। फिर उसके बाद फिलिंग होती है, पैकेजिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है क्या कहते हैं वैक्सीन बनाने का।
हमने एक टाइप पढ़ लिया था वैक्सीन का, क्या लाइव एटीनोटेड वैक्सीन। दूसरा जो वैक्सीन का टाइप है वो है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना, यानी जिसमें बैक्टीरिया को बिल्कुल मार दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। उसके एग्जाम्पल जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है, सिर्फ लाइव एटीनोटेड वाले में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं और इसमें बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तीसरा जो है वो है टॉक्सॉइड, तो इसका भी क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया हमने खूब ज्यादा बना लिए, अब उसके अंदर जो क्या कहते हैं टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जो बॉडी के अंदर एंटीजन की तरह से काम करता है, उसको निकाल लेते हैं और उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, यानी उसके अंदर से जो टॉक्सिसिटी करने की जो ताकत है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ ये टॉक्सिन है, हमारी बॉडी समझती है कि हाँ ये एंटीजन है, ये एक जहर है, पॉइजन है, टॉक्सिन हमारे लिए, तो उसके अगेंस्ट एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है हमारी बॉडी, समझो, तो वो होता है टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो भी क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोग क्या कहते हैं टॉक्सिन, उसका जो जहर है उसको निकाल लेते हैं और फिर उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। इसका प्रोसेस पूछता है, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं यानी उसके अंदर से जहर पने को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या है उससे वैक्सीन बन जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि डिप्थेरिया वैक्सीन है, टेटनस वैक्सीन है, सब क्या होता है टॉक्सॉइड होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये तीन चार नाम है, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, इसका पूरा प्रोसेस आप जाके सोशल फार्मेसी में पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है, सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है ना, इसमें क्या है पूरा बैक्टीरिया को यूज नहीं किया जाता, उसका कोई पार्ट ले लिया गया। और एक होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, यानी एक बैक्टीरिया हमने उसको निकाला, उससे काम नहीं चल रहा, वो कमजोर है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करवा पा रहा, उसके अंदर कुछ मिला देते हैं, समझ रहे ना। एक होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, एक टेक्नोलॉजी होती है, डीएनए को आपस में मिला के यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैक्सीन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना, फर्क बताना किसमें, लिनिमेंट्स में और लोशन में क्या फर्क है वो बताना है, ऑइंटमेंट्स में और पेस्ट में क्या फर्क है वो बताना है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं लिनिमेंट और लोशन। तो लिनिमेंट्स आर लिक्विड और सेमी लिक्विड, या आप यहाँ कह सकते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है ना। तो जो लिनिमेंट्स होते हैं लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं। टॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगाते हैं, स्किन पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे दर्द वगैरह हो रहा है या स्टिफनेस है, मान लीजिए जॉइंट्स है उस पर स्टिफनेस है, तो वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ मेन पॉइंट जो फर्क करता है दोनों में, ये क्या है, इसको हम लोग रगड़ के लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, रगड़ के खूब लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, ओवर अनब्रोकन स्किन, ऐसी जगह पे जहाँ कटा पिटा नहीं है वहां पे लगाते हैं। और जो लोशन होता है आपका, ये भी यही काम करता है, दर्द वगैरह को खत्म करेगा, समझ रहे हैं ना, वहां पे ठंडा कर देगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन इसको हम लोग लगाते हैं क्या, विदाउट फ्रिक्शन। इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगाना, कट पिट गया है, जलन हो रहा है, तो ऐसे उसको क्या है हल्के से लगा दिया, समझ रहे ना, उसको रगड़ते नहीं है ऐसे। और कहाँ पे लगाते हैं, ब्रोकन स्किन पे लगाते हैं, कटे हुए कहीं पे कटा पिटा है तो वहां पे लगाया जाता है। इसका उल्टा है समझ लीजिए सीधे, इसमें फ्रिक्शन है, अनब्रोकन स्किन है, इसमें विदाउट फ्रिक्शन है और ब्रोकन स्किन पे लगाते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं पेस्ट में और ऑइंटमेंट्स में क्या फर्क है, तो ये हमारा ऑइंटमेंट है और ये हमारा क्या है पेस्ट है। जो सबसे मेन फर्क होता है वो ये होता है कि मान लीजिए हमने एक क्या कह रहे हैं, हम ऑइंटमेंट बना रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कंटेनर हमारा ऑइंटमेंट का और ये हमारा क्या है पेस्ट का। इसके अंदर हमने इसमें पानी भर दिया इतना तक मान लीजिए, ठीक है ना, ये हमने पानी भर दिया, इसमें भी इसमें हमने इतना इतना पानी ले लिया। अब फर्क क्या होता है कि इसके दोनों के अंदर हम लोग कुछ सॉलिड्स डालते हैं, मान लीजिए पाउडर है, समझ रहे हैं ना। अब पाउडर डालेंगे तभी तो ये बनेंगे पेस्ट जैसे। दोनों क्या है, ये जो क्या है ऑइंटमेंट, इसको मरहम बोलते हैं, मरहम, और ये भी समझिए तरीके से मरहम ही है। ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, समझ रहे हैं। तो ये क्यों होता है, ये हमारा क्या कहते हैं पेस्ट है, इसमें जो हम लोग सॉलिड डालते हैं वो ज्यादा डालते हैं, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इसके अंदर हमने 100 ग्राम क्या है सॉलिड डाला जो पाउडर है, और इसके अंदर हमने कितना डाला 75 ग्राम या 50 ग्राम ही डाला, तो इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है हार्ड हो जाता है। जब उसके अंदर सॉलिड मटेरियल ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा थिक होगा, थोड़ा हार्ड होगा, ये सबसे मेन फर्क होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में, यही बात जो मैंने समझाया आपको, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, ये लेस स्टिफ होता है, थोड़ा कम हार्ड होता है, ये ज्यादा थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, थोड़ा लेस विस्कस होता है, और ये क्या होता है मोर विस्कस होता है, ये कम गाढ़ा होता है, ये ज्यादा एकदम गाढ़ा होता है, और ये क्या होता है, ये ग्रीसी थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा चिपचिपा ज्यादा होता है, ये थोड़ा कम चिपचिपा होता है, ठीक है ना।
और ये जो होता है ऑइंटमेंट, इसको हम लोग क्या है स्किन पे भी लगा सकते हैं और मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी लगा सकते हैं, और इसको क्या है सिर्फ स्किन पे लगाया जाता है। अब ये स्किन तो आपको समझ में आ रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी की कैविटी, माउथ की कैविटी है, अंदर वाला जो क्या कहते हैं लाइनिंग होती है वो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीआईटी है, ऐसे वेजाइना का है, ठीक है ना। तो ये जो क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं समझिए कि रेक्टम वाला जो है, तो ये जो मेम्ब्रेन है तो उसको, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सपोजिटरी, सपोजिटरी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो सपोजिटरी एंड पेसरीज, कभी पेसरीज के बारे में भी पूछ लेता है। तो सपोजिटरीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये भी क्या है सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, और इनको क्या है इंसर्ट करने के लिए बनाया जाता है, बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है ना। इंसर्शन का मतलब होता है, ऐसे कहते हैं ना इंसर्ट सिम, तो बहुत सारे लोग समझते थे कि लग रहा कह रहा है सिम को निकालो, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, पहले सिम लगाया पकड़ा नहीं तो कहता था इंसर्ट सिम, तो लोग समझते थे लग रहा कह रहा है सिम निकालो, सिम निकालते थे, हालांकि वो कह रहा कि सिम को लगाओ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वही है इंसर्शन, कि बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसे कहाँ पे करते हैं रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, नोज हो गया, यूरेथ्रा हो गया, जहां पे जरूरत है वहां पे करते हैं, ठीक है ना। एंड इज सपोजिटरीज यूज थ्रू वेजाइना, और सपोजिटरी जो वेजाइना के थ्रू यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पेसरीज, ठीक है ना। सपोजिटरी तो सब है, समझ रहे हैं, लेकिन जो वेजाइना में जिसको इंसर्ट किया जाता है वहां की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए उसको इम्प्लांट किया जाता है, समझिए वहां पे इंसर्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेसरीज, ठीक है ना। अगर सपोजिटरी और पेसरीज में फर्क पूछ लो तो बताएंगे कि सपोजिटरी तो कॉमन है, जो जितने भी क्या कहते हैं सपोजिटरी तो कॉमन है, कहीं पर भी यूज हो रहा है, कहीं पर भी इंसर्ट किया जा रहा है, वो सपोजिटरी है, लेकिन जो वेजाइना के अंदर यूज हो रहा है वो पेसरी उसको बोलते हैं, और जो क्या कहते हैं यूरेथ्रा के थ्रू यूज किया जाता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल बोगीज, क्या बोलते हैं यूरेथ्रल बोगीज बोलते हैं। इन सपोजिटरी सच मटेरियल इज यूज एज बेस विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर लाइक कोका बटर, और ये कह रहा है कि सपोजिटरीज के अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है बेस के तौर पे कि जो कि रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है वो सॉलिड होता है, और जब क्या होता है बॉडी टेम्परेचर में वो जाता है तो वो क्या होता है लिक्विड हो जाता है, यानी वहां पे पिघल जाता है। हमने वो मान लीजिए सपोजिटरीज की गोलियां उसको जब डाला बॉडी के अंदर कहीं पे रखा तो वो क्या होता है वहां पे क्या होता है मतलब पिघल जाता है। उसका एग्जांपल जैसे कि कोका, अब ये कोका बटर तो यहाँ पे एक वर्ड आया है बेस, ठीक है ना। तो हम लोग ये जो सपोजिटरीज, और आप देखा आपने इससे पहले पेस्ट या ऑइंटमेंट्स जो भी बनाते हैं तो उसके अंदर जो मतलब जिसके अंदर हम लोग किसी चीज को मिला रहे हैं, मान लीजिए हमने ये कोई बटर ले लिया, कोई और मटेरियल ले लिया, या क्या कहते हैं कोई ऑयल ले लिया, कुछ भी जो हम लोग ले रहे हैं ना ये, इसको बोलते हैं बेस, और इसके अंदर फिर हम लोग कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जिसके अंदर हम लोग मिला रहे हैं कोई भी अपना एपीआई उस, ठीक है ना, तो जिसके अंदर मिला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी बेस है, उसके अंदर कुछ दवाओं को हमने मिला दिया, तो ये बेस ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है और बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचने पर यह क्या होता है लिक्विड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग टर्म्स को आपको क्या होता है डिफाइन करना है। तो सोल्यूशन, सस्पेंशन, इलेक्सर, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉम्बिनेंट, इनमें से ना एक या दो को मतलब हमेशा पूछ ही लेता है, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे ले लिया है, छोटे छोटे से हैं याद कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, ये क्या होता है एक होमोजेनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म है, यानी ये कि जैसे कि मान लीजिए वाटर के अंदर हमने कोई चीज मिलाया तो पूरी तरीके से एकदम घुल गया, जैसे कि पानी के अंदर चीनी को मिलाते हैं, पानी के अंदर नमक को मिलाते हैं तो पूरा एकदम घुल जाता है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। तो सॉल्यूशन ऐसा ही होता है जिसके अंदर भी चीज हम लोगों ने डाला है और पूरा घुल गया है, तो इस प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये क्या है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, उनके क्या कहते हैं सॉलिड, उनके सॉल्वेंट के बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पर, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे आ रहा है सॉल्वेंट या सॉल्यूट, तो इन चक्करों में नहीं जाना है, सिर्फ मैं जल्दी से बता दूं कि जो चीज हम जिसमें हम किसी चीज को घोल रहे हैं, जिसमें किसी चीज को घोल रहे हैं वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट, और जो चीज घोली जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है ना। जैसे नमक है तो वो सॉल्यूट है, और वाटर है वो क्या है हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उसके बेस पे ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। अब ये ओरली यूज के लिए भी आता है सॉल्यूशन, आपका टॉपिकल भी हो सकता है, पेरेंटरल भी
हो सकता है, समझ रहे ना, जैसे कि हम लोग कोई पी रहे दवा तो उसके लिए भी सोल्यूशन हो सकता है, ये टाइप का प्रिपरेशन है समझ लीजिए सिर्फ, ये कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। जैसे कि ऑइंटमेंट है तो वो क्या एक तरीके का प्रिपरेशन है, ऐसे ये भी क्या एक तरीके का प्रिपरेशन है, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। अब जैसा इसके अंदर आप कॉन्टेंट डालेंगे उस टाइप की दवा बन जाएगी, बुखार के लिए भी बना सकते हैं, खांसी के लिए बना सकते हैं, जैसा बनाएंगे उसके हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, आप समझ रहे ना। तो ये ओरल भी आता है, टॉपिकल भी आता है, पैरेंट्रल भी आता है ये, ठीक है ना। तो सिरप क्या है, दूसरा जो टर्म था वो था सिरप हमारा। तो सिरप क्या है, कंसंट्रेटेड स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, सिरप जो होता है आपने देखा होगा वो थोड़ा गाढ़ा होता है और क्या होता है, स्वीट मीठा होता है, ठीक है ना। ये दो इसकी मेन बातें हैं, ये गाढ़ा होगा और मीठा होगा। अब ये सिरप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, समझ रहे ना, सिरप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सिरप तो क्या होता है, एक तरीके से समझिए व्हीकल है या मीडियम है किसी भी दवा को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए, समझ रहे ना। सिरप खुद कोई दवा नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दवा डाल देते। तो जैसे कि सिरप कैसे बनाता है, सुक्रोज है, उसके अंदर हमने एक, हमने मान लिया प्यूरिफाइड वाटर लिया 1000 ग्राम, ठीक है ना, यानी 1 लीटर लिया, और क्या 1 किलो लिया, मान लीजिए 1 किलो लिया, और उसके अंदर इतना क्या है हमने 667 ग्राम किया, उसके अंदर सुक्रोज मिला दिया, तो ये हमारा एक सिंपल सिरप मिल गया, बन गया। अब इसी के अंदर हम लोग कुछ दवा का इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, तो अब जिसके हिसाब से चाहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस दवा के लिए उसको हम लोग बना सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये जो सिरप क्या है, ये सिर्फ एक सिंपल सा क्या कहते हैं, व्हीकल है, जिसके अंदर हम अलग अलग दवा डाल के उसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिरप भी आता है, अब उसी के अंदर दवा डाल दिया तो मेडिकेटेड हो गया वो, ठीक है ना। सिर्फ उसके अंदर फ्लेवर डाल दिया कोई अच्छा सा, तो वो फ्लेवर्ड सिरप हो जाता है। एक टॉपिक है आपका इलेक्सर। इलेक्सर क्या होता है, इलेक्सर इज ए क्लियर स्वीट एरोमेटिक एंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। सिरप में और इसमें फर्क अगर पूछ ले तो क्या लगेंगे, ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है, और ये क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, थोड़ा मीठा होता है, समझ रहे, मीठा ये भी होता है, मीठा ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है, यानी इसके अंदर एक तरीके से महक होती है, खुशबू होती है। इसके अंदर खुशबू होना, महक होना जरूरी नहीं होता है, इसके अंदर क्या है, एरोमेटिक होता है इलेक्सर जो होता है, और हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अल्कोहल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल का होना जरूरी होता है, जो हमारा इलेक्सर होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी क्या, जैसे सिरप एक व्हीकल है, दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए एक जरिया होता है, उसके अंदर हम दवा मिला देते हैं, ऐसे ये भी एक तरीके का क्या है, व्हीकल, इसके अंदर हम लोग दवा मिला के इसको बॉडी के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए यूज किया जा सकता है, उसमें डाल के हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, सिरप के मुकाबले में ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसके अंदर अल्कोहल होता है। तीसरा एक चौथा बल्कि टॉपिक जो है वो है इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है, इमल्शन आपको कई बार आ चुका होगा, एक ऐसा इमल्शन क्या, एक ऐसा मतलब प्रिपरेशन है, लिक्विड प्रिपरेशन है, जिसमें दो न मिलने वाली चीजों को मिला दिया जाता है, ठीक है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट के जरिए से और इमल्सिफाइंग मशीन के जरिए से, इमल्सिफायर के जरिए से, वो होता है हमारा इमल्शन, ठीक है ना। अब इमल्शन मेनली दो टाइप का होता है, एक होगा ऑयल इन वाटर, तो इसमें क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है और ऑयल होता है, तो वाटर के अंदर हमने क्या किया, ऑयल को मिला दिया, वो होता है हमारा ऑयल इन वाटर, वाटर के अंदर हमने तेल डाल दिया, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल ज्यादा है उसके अंदर वाटर को हमने मिला दिया। अब इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के जरिए से और या मशीन के जरिए से उसको मिला दिया जाता है, तो जो थोड़ा वाला होता है वो दूसरे वाले में पूरी तरीके से फैल जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्स हो जाता है, और जो फैलने वाला है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसके अंदर कोई चीज को हम लोग फैला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तेल के अंदर वाटर को डालना है, तो वाटर जो है हमारा वो डिस्पर्स फेज हो जाता है, और ऑयल जो होता है वो कंटिन्यूअस फेज होता है हमारा, ठीक है ना, क्या होता है, कंटिन्यूअस फेज होता है। एक और आपके टॉपिक है, एक क्या है, टर्म है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन के समझिए कि उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, उसके अंदर हमने कोई सॉलिड मिला, कोई हमने सॉलिड मिलाया, कोई पाउडर मिलाया, पूरी तरीके से घुल गया तो सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर वो पूरी तरीके से घुले नहीं, उसके पार्टिकल्स क्या है, इसमें ऐसे ही सस्पेंडेड है, घूम रहे हैं, लटके हुए हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्या कहते हैं, सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन। जब हम एक लिक्विड के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर कोई दूसरी सॉल्यूट मिला रहे हैं, कोई दूसरी चीज, कोई सॉलिड मिला रहे हैं, समझ रहे, कोई पाउडर मिला रहे हैं, और वो पूरी तरीके से इसमें घुले ना, डिजोल्व ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। पूरी तरीके से घुल जाए तो सॉल्यूशन, पूरी तरीके से ना घुले तो क्या होता है, सस्पेंशन, ठीक है।
अब एक टॉपिक था आपका ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पाउडर तो आपने देखा, पाउडर हमारे पास, ठीक है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि दवाएं क्या होती हैं, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन भी या सिरप भी, अब देखते हैं उसको पाउडर फॉर्म में होता है, उसके बाद उसमें अलग से हम लोग क्या करते हैं, वाटर, जो प्यूरिफाइड वाटर है, डिस्टिल वाटर, उसको उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो ज्यादातर लोग जानते होंगे, जैसे कि पेंटाप आता है, क्या कहते हैं, गैस की दवा है, तो वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ऐसे खांसी के सिरप आते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी मिला के उसको तैयार किया जाता है, तो वो होता है रिकॉम्बिनेंट, यानी पाउडर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर हमने पानी मिला लिया या कोई सॉल्वेंट मिला के उसको अब तैयार कर लिया बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए या उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो होता है ड्राई पाउडर, यानी सूखा पाउडर है, उसको फिर से क्या रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, दोबारा से उसको बनाया गया यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स। अलग अलग टाइप के जो क्या आते हैं, मॉडिफाइड टेबलेट्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। एक होता है सस्टेंडेड रिलीज टेबलेट, दूसरा होता है एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, और तीसरा एक है फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट। क्या है, फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट, इन दोनों के बारे में पूछ सकता है। सस्टेंड रिलीज टेबलेट और एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट में क्या फर्क है, तो इसको, तो सस्टेंड रिलीज टेबलेट क्या होता है, ये समझिए एक तरीके का नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, समझिए एक इनोवेटिव तरीका है बॉडी के अंदर दवा को पहुंचाने का। तो इसमें क्या होता है कि दवा हमने मान लीजिए 500 एमजी खाना है, तो हमने उसको जब खा लिया, 500 एमजी की टेबलेट है मान लीजिए, तो वो 500 एमजी एकदम से रिलीज नहीं होता, अगर पूरा रिलीज हो तो बहुत उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। तो दवा क्या है, थोड़ी 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 लंबे समय तक रिलीज होती रहती है, उसको बोलते हैं सस्टेंड रिलीज टेबलेट। क्या है, थोड़ी 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 थोड़ी, मान लीजिए 500 एमजी की दवा, 1 एमजी 1 एमजी 1 एमजी 1 एमजी या आधा एमजी, क्या थोड़ी 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 लंबे समय तक क्या है रिलीज हो रही है, तो वो होता है हमारा सस्टेंड रिलीज टेबलेट, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है, बहुत सारी दवाएं आ चुकी है, पैरासिटामोल भी है, ठीक है ना, कॉमा हटा लीजिए, पैरासिटामोल सस्टेंड रिलीज टेबलेट आता है, और जो भी दवाएं आती है उस पर लिखा भी रहता है। ऐसे ही क्या होता है एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, तो एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट में क्या होता है, ये 500 एमजी की दवा है, हमने उसको खा लिया, चाहिए हमको 100 एमजी, तो 100 एमजी रिलीज हो गई, फिर दोपहर में 100 एमजी रिलीज हो रही है, फिर शाम में 100 एमजी रिलीज हो रही है, तो वो होता है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट। और फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट में क्या होता है कि ये ऐसी दवा होती है, जैसे मुंह में रखा, सलाइवा के कॉन्टेक्ट में आया, एकदम से डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, और वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता तुरंत, तो फास्ट है इसका काम, जैसे हमने मुंह में रखा एकदम से डिजोल्व हुआ। इसका जैसे कि एग्जांपल है, उल्टी की दवा आती है ओंडेन सिड्रोन, ठीक है ना, तो फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट आता है, जैसे मोंटेल्यू कास्ट फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट आता है, जो ये अस्थमा के पेशेंट वगैरह को दिया जाता है, सांस वगैरह फूलने लगता है, तो मुंह में रखा तुरंत डिजोल्व, अपना काम शुरू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या होता है, इसको बताना है। तो ये फार्माकोपिया क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, जो ये वर्ड है फार्माकोपिया, दो वर्ड से मिलके बना है, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और पोयो, समझ रहे ना, पोयो का मतलब होता है टू मेक, तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ कि फार्माकोपिया एक ऐसी ऑफिशियल बुक होती है, क्या है, एक ऑफिशियल बुक होती है या एक पब्लिकेशन है, जिसके अंदर क्या है, ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स, दवाओं की क्या है, एक लिस्ट होती है, अलग अलग टाइप की दवाओं की क्या है, एक लिस्ट होती है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखे होते हैं, समझ रहे ना। तो फार्माकोपिया क्या है, एक ऐसी बुक होती है, बल्कि एक ऑफिशियल बुक होती है, जिसके अंदर दवा से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, एक दवाओं की पूरी लिस्ट होती है, और उसके अंदर दवाओं से रिलेटेड, यानी कि ये दवा किस बीमारी में काम आएगी, इस दवा को कैसे बनाएंगे, इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, समझ रहे ना, इस टाइप की बहुत सारी चीजें उस किताब के अंदर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं फार्माकोपिया, समझ रहे हैं। फार्माको मतलब ड्रग, और पोइया का मतलब हो गया कि उसका क्या कहते हैं, और पोइया का मतलब हो गया टू मेक, यानी दवा को कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ बनाने की विधि नहीं होती, बल्कि उसके और बहुत सारी चीजें उसके बारे में लिखी रहती है, और बनाने का भी पूरा प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी रहती है, एक तो मान लिया दवाओं की पूरी एक लिस्ट है, अब उन दवाओं के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे उस दवा को बनाएंगे, ठीक है ना, कौन से टेस्ट यूज करेंगे दवा बनाते समय, होता ना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट, ठीक है ना, यानी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, तो कौन कौन से होंगे, वो सारे टेस्ट उसके अंदर लिखे रहते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी उसकी क्या होगी, ठीक है ना, कौन सा एपीआई उसके अंदर डालेंगे हम लोग, ऐसे क्या है उसके कलरिंग एजेंट या स्वेटिंग एजेंट या कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर डालेंगे, या कोई और फार्मास्यूटिकल कौन सा डालेंगे उसके अंदर, किस डोज में इसको बनाएंगे, इसको पेरेंट्रल रूप से देने के लिए बनाएंगे, यानी इंजेक्शन बनाएंगे, या इसको सिरप बनाएंगे, या कैप्सूल बनाएंगे,
टेबलेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस कंटेनर के अंदर इसको पैक करेंगे, प्लास्टिक के अंदर कर सकते हैं या इसको कांच के अंदर करेंगे यानी ग्लास के अंदर करेंगे, या क्या मेटल के अंदर करना है, ऐसे क्या इसका स्टोरेज कंडीशन क्या, किस टेम्परेचर पे ये सही रहता है, ठीक है ना, इसका एक्शन क्या हो गया, समझे दवा खाने के बाद क्या एक्शन आ सकता है और इसको यूज किस पर्पज के लिए करते हैं, ये सारी बातें जिस बुक के अंदर लिखी रहती है उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। और ये एक स्टैंडर्ड बुक होती है, समझ लीजिए एक तरीके से इसको गवर्नमेंट छापती है, कोई ऐसा नहीं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर में अथॉरिटीज होती हैं वो उसको छापती है, ये नहीं कि मैं अपना फार्माकोपिया बना लूं तो ऐसा नहीं होता है, समझे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया, अभी हमने पढ़ा फार्माकोपिया, अब इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है इस पर एक नोट लिखना है और इसके क्या है जो सेलियंट फीचर्स हैं इंडियन फार्माकोपिया के वो बताने हैं। तो जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अपने फार्माकोपिया हैं, ऐसे ही सेम इंडिया का भी अपना फार्माकोपिया है। अब फार्माकोपिया आप समझ चुके हैं, समझ रहे हैं ना, तो इंडियन फार्माकोपिया इज प्रिपेयर्ड अंडर इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड अंडर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी, जो है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन उसी के अंडर में, आईपीसी के अंडर में क्या है फार्माकोपिया को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो क्या कहते हैं जो इंडियन फार्माकोपिया है, ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये क्या एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, एक आजाद बोलते हैं यानी किसी के प्रेशर में किसी के दबाव में रहकर ये काम नहीं करते हैं। दिस कमेटी इज क्रिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक मिनिस्ट्री होती है, समझ रहे हैं ना, मंत्रालय होती है, तो भी सरकार बनती है उसकी मंत्रालय होती है अलग अलग, समझ रहे हो, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसी के अंडर में इसको क्या है बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को। और ये क्या है अपने हिसाब से क्या है दवाओं की क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा फार्माकोपिया उसके अंदर से कोई दवा को हटाना है और उसके अंदर मान लीजिए कोई नई रिसर्च आई कोई खराबी उसको निकाल दिया दूसरा क्या है उसके अंदर एड कर देते हैं, इसलिए क्या है उनके अलग अलग एडिशन आते रहते हैं फार्माकोपिया के, क्या है अलग अलग एडिशन आते हैं, कुछ नई दवाएं ऐड होती हैं, मान लीजिए कोई दवाएं जिसके अंदर उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है या कोई और नई रिसर्च आई है उसके अंदर ऐड करना है, तो सारी बातें उसके अंदर ऐड होती हैं, फिर पूरा क्या है नया वॉल्यूम आता है उसको बोलते हैं एडिशन आ गया है। तो अब सेलियंट फीचर क्या है इसके, यानी खास खास मेन मेन बातें क्या है वो बताना है इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है ना। तो ये क्या है एक ऑफिशियल गाइड है, ठीक है ना, और ये क्या है रेफर डॉक्यूमेंट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या है जिसकी तरफ रेफर करेंगे, यानी कोई भी दवा बनाएगा तो उसी में देख के उसी के हिसाब से बनाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है हमारा उससे ये क्या है रिकॉग्नाइज होता है। दूसरा क्या है आईपी जो हमारा है वो प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड आउटलाइन ड्रग्स, यानी दवाओं की क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगी उसको बताता है, कौन से एक्सिपिएंट डालेंगे उसके अंदर यानी कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स डालेंगे वो बताता है, किस डोज में बनाएंगे वो बताता है, एंड क्या कहते हैं दे विल बी एक्सेप्टेबल व्हेन दे मीट द मेंशनड स्टैंडर्ड, और वो दवा उसी वक्त क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल होगी यानी उसको उसी वक्त क्या है मतलब अप्रूवल मिलेगी यूज मतलब बेचने के लिए मार्केट के अंदर, जब उसके अंदर सारी क्वालिटी जो मतलब मेंशन है दवा बनाने की वो सारी क्वालिटीज पाई जाएंगी, सारा वो स्टैंडर्ड पे क्या है पूरी तरीके से उतरेगा, तभी वो दवा क्या होगी एक्सेप्टेबल होगी और उसको क्या अप्रूवल मिलेगा। आईपी मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और जो हमारी आईपी है ना उसके अंदर जो मतलब स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, यानी इंडिया की जो भी दवाएं बनेंगी तो पूरी क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको क्या है अप्रूवल मिलता है, इसलिए कि इसके स्टैंडर्ड क्या है हाई लेवल के, ऐसा नहीं कि कैसे भी कुछ भी क्वालिटी कंट्रोल कुछ भी बना दिया हो, बल्कि हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया प्रोडक्ट्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड, ठीक है, ऐसे क्या है द आईपी प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कैसे क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के पूरा प्रोसेस क्या है वो भी हमारे इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से बनाएंगे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाएगा वो होता है क्वालिटी कंट्रोल, और फिर उस क्वालिटी और फिर उसके बाद जब बन गई दवा उसको चेक किया जाता है कि जो क्वालिटी पे हम बनाना चाह रहे थे उसी क्वालिटी की चीज बनी या नहीं बनी है उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। इट्स मोनोग्राफ कवर ए वाइड रेंज ऑफ डोजेस फॉर्म, और इसके जो मोनोग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म को बताया जाता है, ठीक है ना। अब ये मोनोग्राफ क्या है तो एक दवा के बनाने के लिए जो पूरी विधि लिखी रहती है उसको बोलते हैं मोनोग्राफ, समझ रहे हैं ना, एक दवा के बारे में पूरा बताया ये दवा ऐसी है ये है ये है और इस फॉर्म में इसको बना सकते हैं इस डोजेस फॉर्म में इसको बना सकते हैं ऐसे बनाएंगे ये इसके क्या टेस्ट होंगे ये लिमिट टेस्ट होंगे ये सारी चीजें होंगी, तो उसका एक मोनोग्राफ होता है, तो मोनोग्राफ के अंदर क्या सारी बातें लिखी रहती हैं, समझ रहे हैं ना, और उसके अंदर क्या अलग अलग डोजेस फॉर्म को भी बताया जाता है कि इस डोज में आप इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये क्या प्रोसीजर
अपनाना पड़ेगा। आप इस वाले डोजेस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, टेबलेट बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रोसीजर, इसका कैप्सूल बनाना चाह रहे हैं तो ये इसका प्रोसीजर है, इसका कैप्सूल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, सारी बातें मतलब लिखी रहती हैं। ऐसे क्या इट कंटेंस मोनोग्राफ फॉर हर्बल ड्रग्स ऑल्सो, और इसकी एक खास बात ये भी है कि सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के लिए नहीं, बल्कि अगर आप आयुर्वेदिक दवा बना रहे हैं, हर्बल दवा बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप कैसे बनाएंगे और इसके अंदर क्या है, और सातवीं बात क्या है कि इसके अंदर कैसे एनालिसिस करेंगे, पूरा उसका प्रोसीजर लिखा रहता है, ठीक है ना। और क्या है, इट इज अपडेटेड रेगुलरली, और इसको क्या है, ऐसा नहीं कि एक बार बना के रख दिया 20 साल पहले तो वो ऐसा ही है जैसे ही चल रहा चलते रहो, नहीं, बल्कि इसको क्या है रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, ठीक है ना। जो भी रिसर्चेज आ रही है, जो भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, नई डेवलपमेंट्स हैं, उस सब चीजों को देखा जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है, कुछ पहले से अगर कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जाता है और नए नए एडिशंस आते रहते हैं। कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो बताया जाता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी को आप इसमें यूज करेंगे इस दवा को बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस एडिशंस ऑफ आईपी, यानी आईपी के जो अलग अलग एडिशंस आते हैं उसको बार बार छापा जाता है तो किस किस सन में आए। सबसे पहला कब आया, 1955 में, फिर आया 1966 में, फिर 1985 में, 1996 में, 2007 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में, 2022 में। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे याद होगा इतना जल्दी, तो बोल के मैं निकल गया, तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने दे रखा है और ये बहुत आसानी से आपको याद करा सकते हैं सारे। तो उसके लिए आपको ये जो नंबर्स हैं उसको याद करने पड़ेंगे, तो क्या है 56, 56, 70, 48 याद है, 56, 56, 70, 48। मैं बहुत पहले इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसको बनाया था और मुझे अब तक याद है। आप किसी भी टाइम मुझसे पूछोगे तो एक मिनट, मेरे पास कॉपी पेन हो तो एक मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि कौन सा एडिशन कब आया था। बस आपको ये नंबर याद होना चाहिए, 56, 56, 70, 48, 48, ठीक है ना। अब ये तो सेम इसको आप ऐसे नीचे उतार देंगे, ऐसे लिखा फिर सेम नीचे इसको उतार दिया, आप इसको मेन कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसको रफिंग करेंगे आप, ठीक है ना। दो मिनट का टाइम लगेगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पांच है इसके अंदर तीन बढ़ा देंगे, आठ हो जाएगा, छह के अंदर तीन जोड़ देंगे, आठ हो जाएगा, सात के अंदर तीन जोड़ देंगे, आपका दस हो जाएगा, ठीक है ना। दस का एक इधर ला दीजिए जो जीरो के यहाँ पे, तो ये एक हो गया, फिर इधर एक 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 बढ़ा देना, आपको बस इतना ही याद करना है, ठीक है ना। 56, 56, 70, 48, फिर इसमें क्या 56 को ऐसे उतारिए, उसके बाद इसको तीन जोड़ दिए, इसमें तीन जोड़िए, इसमें तीन जोड़िए, फिर इसको एक 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 कर दीजिए। अब कैसे करते देखिए, अब ये सबसे पहला क्या हो रहा है, 19 सबसे पहला कब आया था हमारा, 1955 के अंदर, मैं लिख रहा हूं आप जाके उसको मिला लीजिएगा। दूसरा आया था 1966 के अंदर, कब आया 1966 के अंदर, कैसे हो रहा है देखो, 19 आपको जोड़ना है, ठीक है ना। जब 19 से शुरू हो रहा है हमारा, 19 जोड़ा और इसको जोड़ दिया, ठीक है ना, 19 लिया और ये पांच और ये पांच, तो 1955 में पहला आ गया हमारा। उसके बाद 19 लिया हमने, उसके बाद क्या है ये 6 और ये 6, तो दूसरा कब आया 1966 के अंदर आया। तीसरा कब आया 1985 के अंदर, 19 और 85 ले लिया, ठीक है ना। चौथा कब आया 1996 के अंदर, 19 और 96 ही हो गया हमारा। उसके बाद जब यहाँ पे 0 आ जाए तो आप समझ लेना कि 2000 शुरू हो गया है, तो हमने ले लिया 2000। उसके बाद क्या है 0 और 7, उसके बाद कब आया हमारा 2, 2, 4, 1, 5वां कब आया 2007 के अंदर। उसके बाद छठा कब आया, तो 2000 चल रहा है तो 2000 ले लिया हमने, और एक उसके बाद क्या 1 और 0, तो 2010 के अंदर आ गया। उसके बाद कब आया, तो 2000 हमने ले लिया। उसके बाद कब आया, तो 14 आ गया, तो 14 में आ गया। उसके बाद हमने 2000 ले लिया, उसके बाद कब आया 2018 के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, ये आपके 8 एडिशन आ गए, समझ रहे हो कितना आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे रटने बैठेंगे भूल जाएंगे, बार बार याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 8 आपको ऐसे याद कर लेंगे। और जो नवा आया था वो कब आया आपका, नवा आया था 2022 के अंदर। बहुत सारी बुक के अंदर आपको अभी ये मिलेगा नहीं, जो पुरानी बुक है उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेटेस्ट में जो बुक छपी होंगी उसमें होगा। तो नवा कब आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ तक 8 तक आप ये क्या है, मतलब ये 8 तक आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, समझ रहे हो ना। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते, आप देख रहा हूँ कि बच्चे क्या 2000, 3000, 3000 एक एक घंटे में देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बस 50 लोग 100 लोग ही लाइक कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करोगे तो देखो वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे भी मजा नहीं आता है वीडियोज के, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इसी वीडियो के ऊपर 10 एड लगा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही एड लगाता हूँ, वो भी इसलिए लगाता हूं ताकि इस वीडियो को क्या है YouTube भी चलने दे, वरना तो क्वालिटी खराब कर देते हैं वो लोग, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक वीडियो एक एड लगाता हूं, फिर भी आप लोग क्या है वीडियो को लाइक नहीं करते। चाहूं तो इस पे क्या बहुत सारे बीच में चिक 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 क्या है एड्स आते रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं लगाता नहीं हूं। तो इसलिए आप लोग भी इसका भी ख्याल रखा करो थोड़ा, कि बार बार आदमी कह रहा है वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे फिर हमारा भी मूड खराब होता है, तो फिर समझो वही एड लगा दूंगा, देखते रहो फिर क्या करना है।
तो क्या कहते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, समझ रहे हो ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इन नेशनल फॉर्मुलरी। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होता है और नेशनल फॉर्मुलरी क्या होता है इसको बताना है। तो फार्माकोपिया आप समझ गए हैं, ठीक है ना। एक फार्माकोपिया है जिसको क्या कहते हैं, मार्टिंडल फार्माकोपिया कहते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को क्या कहते हैं, मार्टिंडल फार्माकोपिया कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को, इसलिए कि विलियम मार्टिंडल ने इसको बनाया था, ठीक है ना। विलियम मार्टिंडल ने इसको क्या किया था 1983 के अंदर, इसको मतलब तरीके से समझिए बनाया था विलियम मार्टिंडल ने। और ये क्या है, नेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड इसको क्या है, यूज किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इसको यूज कर सकता है अपने क्या कहते हैं फार्माकोपिया के तौर पर, इससे फायदा उठा सकता है। अब ये जो बुक है ना, मार्टिंडल जो बुक है जो इन्होंने लिखा था, इसको क्या, इसके दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मोनोग्राफ्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मोनोग्राफ्स हैं, यानी दवाओं की सारी जो विधि होती है कैसे बनाएंगे क्या करेंगे, तो वो कितने, तकरीबन 6000 मोनोग्राफ्स हैं इसके अंदर। कितने हैं, तकरीबन 6000 मोनोग्राफ्स हैं, ठीक है ना। उनको क्या है 49 चैप्टर्स के अंदर कवर किया गया है। दूसरा जो क्या कहते हैं, जो उसका पार्ट है उसके, वो क्या है, प्रिपरेशन है, ठीक है ना। इन्हीं मोनोग्राफ से निकाल निकाल के अलग अलग दवाओं को कैसे बना सकते हैं, तो तकरीबन 1,80,000 आइटम्स उसके अंदर बताए गए हैं, समझ रहे हैं। 1,80,000 दवाओं के बारे में बताया गया है, समझ रहे हो ना। ये कोई अपना इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि क्या है, अलग अलग कंट्रीज के जो फार्माकोपिया उन्हीं में से निकाल निकाल के क्या किया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा बना दिया फार्माकोपिया, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। नेशनल फॉर्मुलरी क्या होता है, तो नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, एक दवाओं की लिस्ट होती है, मेडिसिन की एक लिस्ट होती है। और ये क्या बनाया जाता है छोटे मोटे डॉक्टर्स के लिए, खासतौर से जो मीडियम टाइप के डॉक्टर्स उनके लिए, उनकी पूरी उसके अंदर गाइड, समझ लीजिए, तो गाइड किया जाता है, एक गाइड बुक है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, समझ रहे हैं ना, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा आप यूज करेंगे, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा रहता है। एक होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में वही दवाएं लिखी जाती है, वही दवाएं चलती है सारी, उसके बहुत रेयरली क्या उनसे बाहर निकला जाता है। तो क्या होता है, हॉस्पिटल के सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है वो मिल के बैठते हैं, कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये वाला अगर पेशेंट आएगा उसको कौन सी दवा दी जाएगी, ये वाली दवा सस्ती भी रहती है अच्छी भी रहती है, ये वाली दवा देंगे हम लोग, समझ रहे। तो इस तरीके से क्या है, एक किताब बना ली जाती है, एक लिस्ट दवाओं की बना लिया, बीमारियों की एक लिस्ट बना ली कि इस बीमारी में ये दवाएं हम लोग देंगे, समझ रहे, इस कंपनी की दवा देंगे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये होता है हॉस्पिटल के अंदर। ऐसे ही क्या है, क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक बुक छाप देती है, भाई देखो इन इन बीमारियों के लिए आपको ये क्या है दवाएं यूज करनी है, ये टेस्ट वगैरह आपको कराना है, तो ये करना है, कैसे बीमारियों को पकड़ेंगे, कौन सी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, तो ये उसके सिम्टम्स इस तरीके से हैं, ठीक है ना। तो इस सारी चीजें, बच्चों के लिए कितना डोज दिया जाएगा, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें जिस बुक के अंदर लिखी रहती है, और वो नेशनल लेवल पे बनाया गया हो, समझ रहे ना, इंटरनेशनली नेशनल लेवल पे बनाया गया हो, तो उसको बोलते हैं नेशनल फॉर्मुलरी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल फॉर्मुलरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डिफाइन CGMP। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, तो क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इज अप्लाइड बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि दवा को बनाने से पहले, यानी दवा अभी प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, तो उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स, कुछ चीजों को क्या है तो मतलब सेट कर लेते हैं कि इस क्वालिटी को, इस क्वालिटी पे हमको दवा बनाना है, उसके लिए ये स्टेप हमको क्या है अप्लाई करना है। अगर ये सारे स्टेप अगर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो इस क्वालिटी की, इस अच्छे क्वालिटी की दवा हमको मिलेगी। तो वही जो चीजें बताई गई हैं कि भाई ये स्टेप्स आपको लेना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, उस तरीके से अगर दवा बनाते हैं तो उस, तो वो जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर क्या कहते हैं रॉ मटेरियल की क्या क्वालिटी होगी, जो मटेरियल हमने लिया जिससे दवा बनाना है, ऐसे क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए किसी दवा को पाउडर बनाना है तो उसमें हैमर मिल यूज करेंगे या बॉल मिल यूज करेंगे, साइज सेपरेशन करना है साइक्लोन सेपरेटर यूज करेंगे या सील सेकर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसको ड्राइंग करना है तो फ्रीज ड्राइंग यूज करेंगे या क्या कहते हैं आपका, या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज करेंगे, तो ये क्या मतलब कौन सी चीज यूज करेंगे, वो सारा कुछ क्या है जो लिख मतलब सेट किया जाता है, वो आता है आपके क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और अलग अलग स्टेज पे प्रोडक्शन हो रहा है तो अलग अलग स्टेज पे क्या है प्रोडक्ट को चेक भी किया जाता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि मान लीजिए दवा हम बना रहे हैं तो 15 मिनट के बाद जब ये दवा का आधा स्टेप हो चुका है तो हम देखेंगे भाई ये दवा उसी क्वालिटी की बन रही है नहीं बन रही है। तो ये सारी चीजें दवा बनने से पहले और दवा बनने तक, यानी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने से
पहले जितनी भी चेकअप होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और दवा जब बन के अब तैयार हो गई है तो हम देखते हैं कि जिस क्वालिटी पे हम दवा बनाना चाह रहे थे उसी क्वालिटी की दवा बनी या नहीं बनी है, अगर तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, अब ये श्योर किया जाता है, ये श्योर किया जाता है कि दवा उसी क्वालिटी की बन गई है या नहीं बन गई है। तो इसके क्या है, बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी गलत दवा किसी को नहीं पहुंचेगी। कंपनी का क्या कहते हैं, जो एक रेपुटेशन है वो खराब नहीं होता है। अब ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, ये क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है। सीजीएमपी क्या है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है। अब ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो यही जो क्वालिटी कंट्रोल आपने पढ़ा ना कि दवा बना रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रोसीजर लेंगे, वो सारे प्रोसीजर को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। ठीक है ना, ये GMP बहुत जरूरी होता है। कोई भी कंपनी दवा बनाती है तो GMP को अगर फॉलो नहीं कर रही है, दवा उसको रिजेक्ट कर भी जाएगी, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो जो भी वो GMP लेते हैं, ठीक है ना, यानी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। मान लीजिए कोई टेस्ट किया तो उसका टेस्ट का सैंपल रखना पड़ता हमको दो दो साल तक, समझ रहे हो ना। एक बैच की दवा बना रहे हैं तो लिखेंगे इस बैच के अंदर ये क्वालिटी कंट्रोल के हमने वो किए थे, ये टेस्ट किए थे, इम्प्योरिटी टेस्ट किया था हमने, क्वालिटी क्या कहते हैं लिमिट टेस्ट किया था, उसका पूरा सैंपल उनको रखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यही जो क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पहले चलता था उसका अपडेटेड वर्जन क्या है, CGMP है। तो अब क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, तो इसमें एक चीज क्या ऐड हो गया, करंट। ठीक है ना, सी का मतलब करंट यानी लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है। ठीक है ना, ये क्या है, लेटेस्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। तो सिर्फ इतना फर्क है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था उसको क्या है, करंट उसके अंदर जोड़ दिया, यानी इस वक्त में अब क्या है, इस यानी लेटेस्ट रिसर्च क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, उसको अप्लाई किया जाए। ठीक है ना, तो ये होता है CGMP। इसमें कोई ज्यादा इतनी वाली बात नहीं है, सिर्फ आप इसका याद ये कर लीजिएगा क्या कहते हैं करंट और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है, उसको समझ गए आप। ठीक है ना, तो उसको दोनों को मिला के लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो ये भी पूछता है कि इसके कॉन्सेप्ट को बताइए, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, तो इट इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन दैट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस यूज्ड इन क्वालिटी मेजरमेंट या क्वालिटी कंट्रोल इफ दे आर प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट और नॉट। ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, कैलिब्रेशन है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने डिवाइसेस को चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता हूँ, कैमरा मैन को, भाई देखो ये कैमरा मेरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट जैसी मतलब क्वालिटी का होना चाहिए, उसी क्वालिटी की वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है। ऐसे क्या है, दवा बनाने वाली कंपनियों में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मेजरिंग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, दवा किसी चीज को वजन करना है तो उसको यूज कर, बहुत सारी मशीनें यूज होती हैं, क्या कहते हैं और भी अलग अलग प्रोसेस के लिए मशीनें यूज होती हैं, तो मशीनों को चेक करवाया जाता है, समझ रहे हैं ना, उनका चेकअप होता है पूरा, जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग होती है ना, ऐसे क्या होता है ये मशीन स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे चेकअप होते हैं इनके कि इनके अंदर कोई खराबी है या नहीं है, या बिल्कुल ये स्टैंडर्ड क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है ना, अब ये कौन करता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है या जो टेक्नीशियन है वो उसको बुलाया जाता है और अच्छा पैसा लेता है, वो चेक करता है बारीकी से सारी चीजों को, ये सारे मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसने चेक किया और चेक करने के बाद देखा इसमें कोई खराबी वराबी है, उसको क्या किया, मरम्मत कर दिया, ठीक कर दिया उसने। अब ठीक करने के बाद फिर दोबारा से अब चेक किया जाता है कि ये मशीन ठीक हो गई है या नहीं हो गई है, तो ये बाद में जब दोबारा से फिर उसको हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। पहले तो चेकअप हुआ, उसको मरम्मत हुई, हो जाता है उसका क्या है कैलिब्रेशन। ठीक है ना, उसको दुरुस्त कर दिया, मरम्मत कर दिया, सर्विसिंग हो गई, क्या है सर्विसिंग। कैलिब्रेशन का मतलब सर्विसिंग समझे, बाइक की सर्विसिंग होती है, फोर व्हीलर्स की सर्विसिंग होती है, तो ऐसी मशीनों की क्या है सर्विसिंग हो गई। फिर उसके बाद अब चेक करते हैं चला के, भाई ये सही से सर्विसिंग हुई है नहीं हुई है, तो वो होता है आपका वैलिडेशन। ठीक है, ये वैलिडेशन उधर होना चाहिए था, ये इधर आ गया, इसको हटा दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी, इसको यहां से हटा के अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टेबलेट्स। टेबलेट के लिए अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, टेबलेट हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें, अब जैसे आपने पढ़ा ना क्वालिटी कंट्रोल, तो हम लोग जब टेबलेट बनाते हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में तो फिनिश्ड प्रोडक्ट आर अंडरगो मेनी ऑफ टेस्ट बिफोर पैकेजिंग एंड डिस्पैच। ये कह रहे हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है टेबलेट के, तो उसको क्या है भेजने से, पैक करने से पहले और उसको क्या है बेचने से पहले, यानी भेजने से पहले कहीं
बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट। तो सबसे पहले क्या होते हैं, साइज एंड शेप, सबका साइज क्या है, सेम है या नहीं है, उनका शेप सेम है या नहीं है। उसके बाद उसका हार्डनेस चेक होता है कि सब एक ही जैसे हार्ड है या कोई बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है, समझ रहे। तो उसके लिए जो मशीन यूज होती है तो वो आती है एक मशीन मोनसेंटो, इसका नाम पूछ रखा है, समझ रहे, याद कर लेना, मोनसेंटो का आता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मोनसेंटो, या इसका आता है फाइजर हार्डनेस टेस्टर, ठीक है ना, मोनसेंटो यूज करते हैं या आता है फाइजर का हार्डनेस टेस्टर। अब कंपनियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेट वेरिएशन, यानी 20 दवाओं को लिया जाता है, उनको वेट किया जाता है, समझ रहे हैं कि सबका वेट सेम है या इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, यानी उसका एक मतलब सॉल्यूशन होता है, पानी है समझ लीजिए, उसके अंदर उसको डाल के देखते हैं, यानी हमारे जो स्टोमक का जो पीएच लेवल है वही पीएच लेवल उसके अंदर मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, और फिर देखते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है टूटने के अंदर, समझ रहा है, पानी के अंदर उसको डाला तो कितना जल्दी वो टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो चेक होता है। तो अलग अलग दवाओं का हम लोग करते हैं कि भाई सबका सेम है या कोई जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है या कोई लेट से हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। उसके अलावा क्या होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, अब टूट तो गया, अब कितना जल्दी वो डिजोल्व हो रहा है, घुल रहा है, उसको भी देखा जाता है। उसके बाद होता है ड्रग यूनिफॉर्मिटी, अब उसके बाद ये भी एक चेकअप होता है कि ये जो दवा है सबके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है सबके अंदर बराबर है या किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा है, समझ रहे हैं। हमारे कोई एंटीबायोटिक है उसको हम लोगों ने देखना है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये सबके लिए ये क्या है, इसके अंदर सबके अंदर बराबर क्वांटिटी में क्या कहते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो वो होता है ड्रग यूनिफॉर्मिटी। अगला होता है, इसके बारे में पूछ लेता है कई बार, कि फ्री एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, फ्री एबिलिटी क्या होता है, फ्री एबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो ये एक जो टेस्ट होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए देखते हैं कि ये दवा कितनी मतलब टिकाऊ है, यानी ये कि जब दवा को हम लोग पैक करके भेजेंगे तो दवा को रखा जाएगा तो वो हिलेगी भी, कहीं टकराएगी इधर उधर, तो वो कितना टूटती है, समझ रहे हैं ना, दवा को जब हम पैक करके भेजेंगे तो दवा कितनी टूटेगी, तो उसका भी एक चेकअप होता है, एक मशीन आती है, समझ रहे हैं ना, ऐसा रहेगा उसमें एक यहाँ पे लगा रहेगा, यहाँ पे हमने दवा रखा, ये दवा ऐसे है, ये मशीन ऐसे घूमती जाएगी, जब ये दवा इसे ऊपर पहुंचेगी यहाँ से एकदम नीचे गिर जाती है, फिर ये घूमती घूमती जाएगी ऐसे, फिर गिर जाती है नीचे, फिर ऐसे घूमती जाएगी, फिर नीचे गिरती है, तो ये गिरती है बार बार, तो हम लोग उसको 10 राउंड 15 राउंड जो भी है उसको हम लोग घुमाते हुए देखते हैं कि दवा कितनी टूट रही है, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है फ्रीएबिलिटी टेस्ट, इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको दवा को मान ली कंपनी से ले जाया जाएगा, कहीं पे उतारा गया, फिर उठा के वहां से कहीं पे होलसेलर के पास ले गया, वहां से फिर उतार के इसको रिटेलर के पास ले जाया गया, तो कई जगह पे दवा क्या रखी जाएगी, उतारी जाएगी, इसके ऊपर चोट भी पड़ेंगे तो दवा टूट जाएगी या सही रहेगी, वो चेकअप होता है, उसको बोलते हैं फ्रीएबिलिटी टेस्ट। और एक होता है स्टेबिलिटी टेस्ट, तो इसके जरिए हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका हाफ लाइफ कितना है, इसका शॉर्ट लाइफ या इसका सेल्फ लाइफ कितना है, समझ रहे हैं ना, यानी स्टोर करने के बाद कि कितने दिनों तक क्या स्टेबल रह सकती है। तो ये सारे चेकअप होते और भी हो सकते हैं, ये कुछ मैंने आपको दे दिए हैं, इसको इतना याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंशन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी साइज रिडक्शन एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, वो कौन सी चीजें हैं जो साइज रिडक्शन को क्या है मतलब क्या कहते हैं साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकती है, घटा सकती है या बढ़ा सकती है। सबसे पहला क्या, हार्डनेस, जो भी मटेरियल है जिसका हम लोग साइज रिडक्शन कर रहे हैं, जिसको हम लोग पीस रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, तो वो कितना हार्ड है ये भी मैटर करता है, कुछ इतनी हार्ड होगी पता चला टूट ही नहीं रही है। और क्या है स्टिकीनेस, वो कितना क्या ज्यादा स्टिकी यानी चिपक जा रहा है, क्या कहते हैं उसके अंदर मतलब फाइबरस है, तो वो भी क्या कहते हैं मैटर, वो भी मैटर करता है। ऐसे क्या है स्लिपरीनेस, यानी कितना वो फिसल रहा है, उसके अंदर फिसलाहट है, उस पर चोट मार रहा है, वो पूरी तरीके से चोट लगी नहीं रही, फिसल जा रहा है, उसके अंदर मॉइस्चर कॉन्टेंट कितना है, ठीक है ना, या तो बल्क फीडिंग कर रहा है मशीन के अंदर, मान लीजिए हमको 2 किलो ही एक बार में डालना है, हम उसमें 10 किलो डाल दे रहे हैं एक ही साथ में। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा राइट दी प्रोसेस ऑफ मेसिरेशन एंड परकोलेशन, ये मेसिरेशन और परकोलेशन क्या, इसका प्रोसेस क्या, उसको लिखना है। तो ये जो दोनों स्टेप हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो ये जो मेसिरेशन है और जो परकोलेशन है ये दोनों क्या है, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस है, यानी जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनको निकालने का एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर फॉर्म है, ठीक है ना, हमारा चाय कैसा भी उसको पाउडर बनाते हैं और उसको एक सॉल्वेंट के अंदर क्या है, अब खास सॉल्वेंट जो उसको मतलब अच्छा रहता है उसके लिए, उसके अंदर उसको क्या करते हैं स्टोक्ड कर देते हैं, भिगो देते हैं, ठीक है ना, और कंटेनर का जो माउथ है उसको बंद कर देते हैं और फिर क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इस पूरे को बना के 72 घंटे के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इस कंटेनर को टाइम टू टाइम क्या कहते हैं हिलाते रहते हैं, ठीक है ना। 3 दिन के बाद जो पूरा ये होल मिक्सचर इज
प्रेस्ड, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मिक्सचर को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं एंड फिल्टर, और इसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक फिल्टर पेपर आते हैं अलग अलग, तो उसमें एक आता है वॉट मैन नंबर वन फिल्टर, ठीक है, वो वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा मटेरियल है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा फिल्टरेट होता है, ठीक है। दूसरा जो, तो ये हमने क्या पढ़ा, मैसिरेशन के बारे में। दूसरा जो है परकोलेशन, इसके बारे में ज्यादा पूछता है परकोलेशन के बारे में। तो ये क्या है, आपका जो परकोलेशन है ये कई स्टेप में होता है, समझ रहे ना, ये कई स्टेप में होता है। तो ये जो परकोलेशन है आपका, ये भी एक क्या एक तरीके का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, लेकिन ये पांच स्टेप में होता है, जो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। ये आपको देखना, ये परकोलेटर है, ये क्या है, परकोलेटर है। सबसे पहले जो हमारा मटेरियल है उसको क्या किया हमने, साइज रिडक्शन किया, क्या किया, साइज रिडक्शन यानी पाउडर बना लिया। उस पाउडर को क्या करते हैं, हम लोग भिगा के रखते हैं, समझ रहे ना, उस पाउडर को क्या तकरीबन 12 घंटे के लिए भिगा देते हैं पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्बिबिशन, मॉइस्चरिंग या इम्बिबिशन बोलते हैं, मॉइस्टेनिंग भी कर सकते हैं, मॉइस्टेनिंग या इम्बिबिशन बोलते हैं। सबसे पहले हमने उसको बनाया पाउडर, उसको भिगा दिया किसी भी जगह पे, किसी भी कंटेनर के अंदर 12 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पैकेजिंग होती है। अब उसको हमने जो भिगा रखा है उसको अब इस परकोलेटर के अंदर लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं। अब वो ग्लास वूल हो सकता है, सिंटर्ड ग्लास हो सकता है, जो भी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या किया, अपना एक फिल्टर मीडियम लगा लिया, ठीक है ना, फिल्टर मीडिया जो होता है कोई सा भी हो लगा लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा ड्रग है, ठीक है ना, जिसको हमने भिगा रखा था उसको यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग कॉटन वगैरह या जूट वगैरह या फिल्टर पेपर वगैरह कुछ और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कई बार यहाँ पे सेंड वगैरह जो रेत वगैरह आती है वो भर दिया जाता है, लेकिन वो सब भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉटन वगैरह लगा लिया, फिल्टर पेपर वगैरह लगा लिया, सबसे पहले यहाँ पे लगता है, फिर यहाँ पे हमारी दवा वगैरह जो हमको जिसमें से निकालना है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर वगैरह कॉटन वगैरह लगा लिया। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है, तो ये जो हमने किया ना, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं पैकेजिंग। क्या बोलते हैं, इसको पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग क्या आते हैं, मेंस्ट्रम डालते हैं। मेंस्ट्रम मतलब कोई सॉल्वेंट डालते हैं जो इसके अंदर से होता हुआ गुजरेगा और इसमें से दवा को अपने अंदर लेके नीचे निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मैसिरेशन। क्या बोलते हैं, मैसिरेशन, जिसमें हम लोग कोई सॉल्वेंट डालते हैं, कोई केमिकल डालते हैं, मान लीजिए वाटर डाल रहे हैं या अल्कोहल डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, इथर डाल रहे हैं, तो वो होता है हमारा मेंस्ट्रम। अब इसको जब डालते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऊपर तकरीबन 2 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जगह, एकदम पूरा फुल नहीं करेंगे। उसके बाद इस ढक्कन को बंद कर देते हैं ऊपर से, और क्या करते हैं, जो नीचे का ये है ना स्टॉप कॉक, इसको चालू कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होती है, एक एक बूंद बूंद करके दवा हमारी क्या है, निकलना शुरू हो जाती है, यानी सॉल्वेंट आता है इनके अंदर से और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसको अपने अंदर ले लेता है और यहाँ से टपकता रहता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, परकोलेशन। तो ये 5 स्टेप में होता है आपका पूरा परकोलेशन, समझ रहे हैं ना, ये सब मिला के होता है, लेकिन इन अलग अलग स्टेप के अलग अलग नाम दे दिए, वैसे ही नाम दे दे के आप लिखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तकरीबन 25 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपके 14 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये भी बहुत शॉर्ट नहीं है, ये 2-3 नंबर वाले, हो सकता है इसमें से 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने 2 पार्ट्स में आपको तकरीबन 11 क्वेश्चन दिए हैं लॉन्ग वाले। इतना आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, प्रिपेयर कर लेता हूँ, खाली एक बार सुन लिया तब नहीं, आप अच्छे से इसको समझ लें और अच्छे से पूरा याद कर लें, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो यार, आप अकेले पढ़ के ना रह जाओ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, दूसरों को भी बताओ, और जो अगले साल आपके न्यू स्टूडेंट्स आएंगे यानी जो आपके जूनियर होंगे, आप उनको भी बताइए कि हमने कैसे तैयारी की। और जब आपके अच्छे मार्क्स आए तो मिठाई जरूर भेज देना, और साथ साथ जब एग्जाम के आपके क्वेश्चन पेपर भी हमको भेजोगे, एग्जाम दे के आना, ये नहीं कि अब क्या एग्जाम दे के आए तो भूल जाए, बल्कि एग्जाम देने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर मुझे वहीं से सेंड करना, अपने सेंटर से निकलने के बाद क्वेश्चन पेपर को फोटो लो और मुझे भेज दो अगर आपके पास वहाँ मोबाइल है, वरना घर आके जरूर